दादर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म को फिर से किया जाएगा रीनंबरिंग। जी हाँ, यात्रियों को होने वाली लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को कम करने के लिए मुंबई के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक दादर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को फिर से नंबर देने की पहल शुरू होने वाली है। ये नंबर 9 दिसंबर 2023 से शुरू किया जाएगा। मध्य रेलवे का उद्देश्य सामान्य प्लेटफॉर्म नंबरों से उत्पन्न होने वाली उलझनों को दूर करना। आपको बता दें, मध्य रेलवे के जो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवराज मानसपुरी ने कहा है कि प्राधिकरणों ने पहले ही मध्य रेलवे मुंबई डिवीजन के सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई शुरू करने और 9 दिसंबर को नए प्लेटफॉर्म नंबरिंग सिस्टम के रोल आउट के लिए तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मध्य और पश्चिम रेलवे के दादर स्टेशन पर वर्तमान में कुल 14 प्लेटफॉर्म है, जिनमें से 7 पश्चिम रेलवे के अंतर्गत और 7 मध्य रेलवे के अंतर्गत हैं। पश्चिम रेलवे के प्लेटफॉर्म अपने मौजूदा 1 से 7 नंबर को बरकरार रखेंगे, वहीं मध्य रेलवे के नियंत्रित प्लेटफॉर्मों को फिर से नंबर दिया जाएगा, जो 8 से शुरू होगा और 14 पर समाप्त हो जाएगा। इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए डिस्प्ले बोर्ड में जरूरी बदलाव की योजना बनाई जा रही है। जिन प्लेटफॉर्मों को पुनः नंबर दिया जाएगा वह हम आपको बता देते हैं। पश्चिम रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 7 अपने मौजूदगी नंबर पर बरकरार रहेगा, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केवल मध्य रेलवे क्षेत्राधिकार के पीएफ नंबरों की संख्या में बदलाव होगा। मध्य रेलवे के मौजूदगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 को और अब प्लेटफॉर्म नंबर 8 के रूप में नामांकित किया जाएगा, यानी जो पहले 1 नंबर का हुआ था अब वो 8 नंबर का हो जाएगा। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 के चौड़ीकरण के लिए सरेंडर कर दिया गया है और यानी अब ये इस्तेमाल में नहीं रहेगा। मौजूदा प्लेटफॉर्म नंबर 3 को प्लेटफॉर्म नंबर 9 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। मौजूदा प्लेटफॉर्म नंबर 4 को प्लेटफॉर्म नंबर 10 बना दिया जाएगा। मौजूदा प्लेटफॉर्म नंबर 5 को 11 में बदल दिया जाएगा, 6 को 12 में, 7 को 13 में और 8 को 14 में बदलाव किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी पहल करने जा रही है मुंबई जो वेस्टर्न रेलवे के जो रेलवे स्टेशन के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उसे अब इसे रीनंबरिंग करने जा रही है, जिससे यात्रियों को बहुत ज्यादा सुविधा मिले, उन्हें उलझन ना पैदा हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो मुंबई में हर दिन लाखों जो यात्री हैं वो सवारी करते हैं, यानी जो मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने इसका इस्तेमाल करते हैं अपने दफ्तर के लिए जाने के लिए, अपने कामों पर जाने के लिए। तो इसे बहुत आसान किया जा रहा है और ये जो प्रक्रिया वो दिसंबर से शुरू हो जाएगी। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी जरूर हमें बताइएगा और हमारे चैनल आवाज एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।